हेलो एवरीवन, मैं सुशील यादव एक बार फिर आपके सामने द हिंदू का एनालिसिस लेके आया हूँ। आज डेट है 23 नवंबर 2019। तो आज हमारे पास बहुत चीज़ डिस्कस करने के लिए है और मैंने थोड़ा सा न्यूज़ को और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश करूँगा। सो हम पहले पेज पे स्टार्ट करते हैं। पहला पेज है हमारा पेज वन पे, जो पहली न्यूज़ है हमारी, उद्धव टू बी महाराष्ट्र सीएम। जैसा कि हमको पता है, इतने दिन से प्रॉब्लम चल रही थी कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा मध्य महाराष्ट्र में। भगत सिंह कोश्यारी जी भी, हमारे गवर्नर जी, परेशान थे कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। बहुत दिन हो चुके थे, इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए, लेकिन अब तक गवर्नमेंट कोई बनी नहीं थी। तो तीन पार्टियों ने, वो शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP और कांग्रेस, गवर्नमेंट बनाने के लिए एक कॉमन पॉइंट पे आ चुकी है। अब थोड़ा सा हम पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आठ जो पार्टी है हमारी, नेशनलाइज रिकग्नाइज पार्टी हैं आठ, वो कौन कौन सी हैं? तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 1998 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? ममता बनर्जी जी ने। दूसरी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये 1984 में बनी थी। किसने बनाई थी? कांशीराम जी ने। और अभी कौन है चीफ? मायावती जी। तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, 1980 लालकृष्ण आडवाणी जी ने बनाया था। फिर हमारे ऑनरेबल पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925, इसमें भी बहुत लोग का योगदान था बनाने में। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम जानते हैं INC, कब बनी थी? 1885 में, WC बनर्जी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP है, 1999 में बनी थी। आठवीं जो है नेशनल पीपल्स पार्टी, 2030 PA संगमा जी ने बनाई थी। ये हमारी आठ रिकग्नाइज पार्टी हैं अभी इंडिया की। बाकी स्टेट में तो अलग अलग पार्टी होती हैं। हमारी नीति आयोग, अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वो नीति आयोग। नीति आयोग होता क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी के थ्रू हर चीज़ सोचती है, काम करती है, इम्प्लीमेंट करवाती है। ये कब बना था? फॉर्म्ड 1 जनवरी 2015। किसके रिगिम में? ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बनाया गया है। प्रेसिडिंग प्लानिंग कमीशन, किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, और जो इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी चेयरपर्सन हैं इसके। वाइस जो चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार IAS। जो CEO हैं हमारे, CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है पेज टू पे, वो है अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो हैं हमारे रमेश पोखरियाल जी, उत्तराखंड के हैं। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री, ये बनी थी 26 सितंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके अंदर डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। नेक्स्ट, ये हमारा इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज होने वाला है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ सब जानते हैं युद्ध हुआ था। कब होगा? November 23 से December 10, 2019 को, कुरुक्षेत्र में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। और ये नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल, पेज सेवन पे है, अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल। जो हमारा अरुणाचल का लिटरेचर फेस्टिवल होगा वो होगा अरुणाचल में, जो इसकी थीम होगी बिल्डिंग ब्रिज थ्रू लिटरेचर। इसका वेन्यू होगा दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर, ईटानगर। अब जो हमारा है नेक्स्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल स्वीडिश ऑस्कर एंट्री मेक्स इट्स इंडिया प्रीमियर एट 50th IFFI। ये एक तो एक पहली जो हो सकती, जो पहली जो फिल्म थी वो ओपनिंग की है, उसका नाम है डिस्पाइट द फॉग। और जो दूसरी है वो है मूव, ये जो दूसरी है वो है मूवी देन वी डांस्ड, प्रीमियर एट 50th IFFI इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंस्टीट्यूट। कहाँ है? पानाजी गोवा में हुआ है। ये देखिए हमारा, ये हमारा थोड़ा सा मैंने ये लिया है, अरुणाचल प्रदेश लिटरेचर, अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल 2019 होगा। इसका जो थीम है
ये है बिल्डिंग ब्रिज थ्रू लिटरेचर। कब होगा? 27, 28, 29 नवंबर। कहाँ? दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में। ईटानगर हमको पता है वहाँ की राजधानी है। इसमें ये सब हैं, अशोक फेरी श्रीलंका से आएंगे, रैन चूदोरी इंडोनेशिया से, लेला चूदोरी इंडोनेशिया से, चादोर वांगमो भूटान से। बुक एग्जीबिशन, पैनल डिस्कशन, पोएट्री रिसाइटेशन, पेंटिंग कंपटीशन होगा यहाँ पे। ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, जो अमरावती है हमारा, अब पॉलिटिकल मैप में उसे जगह दे दी गई है। अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मैप में थोड़े दिन पहले मैप निकाला था, उसमें अमरावती आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो न्यूली बना है वो नहीं था। अब रिसेंटली जो सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप निकाला है उसमें अमरावती को प्लेस दे दिया है मैप में। द सर्वे ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे रिलीज ए न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद अमरावती एज ए कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया, सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? हमारे जगन मोहन रेड्डी जी। इनकी पार्टी है वाईएसआर पार्टी है इनकी। गवर्नर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अब सीएम बनने के लिए, अब जाके बने हैं ये। जो गवर्नर है हमारे विश्वभूषण हरीश चंदन जी हैं गवर्नर वहाँ के, और वो 23वें गवर्नर हैं। नेवल ऑफिसर फ्रॉम 7 नेशन ट्रेन अलॉन्ग विद देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स इन कोची। जो नेवल ऑफिसर की ट्रेनिंग हुई है, 7 अलग अलग देश के भी नेवल ऑफिसर इसमें थे। ये कहाँ हुई है? कोची में। ऑफिसर कहाँ कहाँ के थे? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, मोरक्को, श्रीलंका, तंजानिया। ये यहाँ के लोग थे। कहाँ ग्रेजुएटेड? कहाँ से ग्रेजुएट है? ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW स्कूल से। ये कहाँ है? कोची में। अब हमारी आई है महिला सशक्तिकरण का एक एग्जांपल, जो page 9 पे है। सब लेफ्टिनेंट, जो नेवी की पहली रैंक होती है ऑफिसर रैंक में, वो हमारी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जी, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। फर्स्ट एवर वुमेन टू स्टीयर एन इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट की चलाने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट चलाया? डोरनियर एयरक्राफ्ट। अभी नीचे पिक्चर है, मैं आपको दिखा दूंगा इनकी। बाय दिसंबर एंड तक दो और महिलाएं शामिल की जाएंगी नेवी की। उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट शुभांगी, सब लेफ्टिनेंट दिव्या। ये सब आएंगी कहाँ पे? यलहंका एयरबेस। कहाँ है? बेंगलुरु में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमेशा एयर शो होते रहते हैं और क्रैशेस भी बहुत हुए हैं, बट फेमस है यहाँ एयरक्राफ्ट की वो होते हैं सारे एक्सरसाइजेस। ये हमारी शिवांगी जी एमटेक है। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू दिया था SSB भोपाल से, रिकमेंड भी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा यही है, इसे ही डोरनियर एयरक्राफ्ट कहते हैं, जो पीछे है इंडियन नेवी का है। नेक्स्ट, दे विल जॉइन शिवांगी फॉर द डोरनियर। जो इन्होंने यही इसीलिए डोरनियर ऑपरेशन फ्लाइट ट्रेनिंग किया, जो ज्वाइन किया था काम उसी के लिए है। नेक्स्ट, जो हमारे वेंकी रामा कृष्णन जी हमारे, और रेसिपियंट हैं 2009, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2009 में केमिस्ट्री में, एंड करेंटली 62nd प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी हैं। ये 62nd प्रेसिडेंट है अभी ये रॉयल सोसाइटी के। विल बी 2020 स्पीकर ऑफ द TNQ डिस्टिंग्विश लेक्चर इन द लाइफ साइंस। ये लेक्चर देंगे 2020 में TNQ डिस्टिंग्विश लेक्चर लाइफ साइंस पे देंगे। दिस विल बी द 10th एडिशन। ये 10th एडिशन है लेक्चर का। इनकी एक बुक है, ये इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। ये ऑल्सो रोड द जीन मशीन। अब जो हमारा एडिटोरियल न्यूज़ है, एडिटोरियल न्यूज़ हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसमें क्रिप्स हर चीज़ की क्रिप्स नॉलेज दी जाती है, इसलिए एडिटोरियल हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। तीन न्यूज़ हमारे पास टोटल बहुत इम्पॉर्टेंट आई है इस बार के न्यूज़पेपर में। पहला है ऑक्यूपेशन रिवॉर्ड, ये टाइटल है हमारे एडिटोरियल का। इसमें ये बताया गया है इसराइल का गाजा स्ट्रिप के बारे में, ये चीज़ बताई गई है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है इसमें।
इजरायली डिफेंस ऑफ इंटरनेशनल ओपिनियन ऑन वेस्ट बैंक सेटलमेंट इज फंडिंग यूएस सपोर्ट। जो इसराइल का इंटरनेशनल ओपिनियन है वो हमेशा से फंडेड बाय यूएस, यूएस इन्हें पैसे प्रोवाइड कराता है हमेशा से। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड इसराइल सेटलमेंट ऑन वेस्ट बैंक आर नॉट इलीगल, ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये कहा है कि वेस्ट बैंक पे जो इन्होंने सेटलमेंट बनाई है इसराइलियों ने वो इलीगल नहीं है। वो हमेशा से अपोजिट माइंड चलते आ रहे हैं ट्रंप जी हमारे। दिस चैलेंजेस द इंटरनेशनल लॉज एंड कंसेंसस ऑन द इशू। पूरी वर्ल्ड एक साइड है, ये कह रही है कि ये इलीगल है, बट जो हमारे ट्रंप जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इलीगल नहीं है। जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, मैंने एक ही जगह सब एक्यूमुलेट करके रखा है। ये हमारा है एरिया, हमारा इसराइल यहीं पे है, वेस्ट बैंक थोड़ा सा आगे आने, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो आगे आने वाले पेपरों में मैं आपको जूम करके इसकी पूरी बाउंड्री वेस्ट बैंक आपको पूरा दिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारा है इसी पे, जो ट्रंप और इसराइल की जो पॉलिसी है, ट्रंप इसराइल पॉलिसी, ट्रंप और इसराइल की पॉलिसी वो हमेशा ज्यूइश पीपल के ही सपोर्ट में रही है। इन 2007 ट्रंप अनाउंसड दैट यूएस वुड रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द डिस्प्यूटेड सिटी एंड इसराइल कैपिटल। ट्रंप 2017 में ट्रंप ने ये कहा था कि जेरूसलम है वो डिस्प्यूटेड सिटी है और हम इसराइल का उसे कैपिटल बनाएंगे। उन्होंने अपना वहाँ से जो कॉन्सुलेट होता है वो भी चेंज करके जेरूसलम में कर दिया था। इन मार्च द एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज गोलन हाइट विच इजराइल सीज फ्रॉम सीरिया इन द 1967 वॉर एंड ऑक्यूपाइड सिंस। उन्होंने ये भी गोलन हाइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट यूएन जनरल असेंबली है, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, हमारी 5 मेंबर होते हैं परमानेंट उसके, और वन ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग हैव स्टेटेड इसराइल सेटलमेंट ऑन द वेस्ट बैंक आर इलीगल। जैसे मैंने कहा कि सारे इंटरनेशनल जो कमिटी हैं उन्होंने इलीगल बताया है इसे। ये अकॉर्डिंग टू द 4th जनेवा कन्वेंशन एन ऑक्यूपाइंग पावर शेल नॉट ट्रांसफर द पार्ट ऑफ सीरियन पॉपुलेशन इन इट्स टेरिटरी। जनेवा कन्वेंशन के द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जिसे एक्वायर किया गया है वहाँ की पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अपनी टेरिटरी में। देयर आर एटलीस्ट 4 लाख इसराइली सेटलर्स ऑन वेस्ट बैंक। 4 लाख इसराइली सेटलर्स वेस्ट बैंक में हैं अभी। इसराइलियों ने मेड चेक पॉइंट टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस। उन्होंने चेक पॉइंट बना दिए हैं कि पैलेस्टीनियन नहीं आ सकें। यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ आस्क इसराइली टू स्टॉल द सेटलमेंट एक्टिविटी बट इसराइली इज हार्डली पेइंग ऑर्डर्स। वो ऑर्डर्स नहीं मान रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आने वाले टाइम में और टेंशन बढ़ेगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यूएस इंटरवीन ज़रूर करेगा इसमें। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ अभी इंडिया में ही है और कोई देश में इसे नहीं लाया गया है। अब हम देखते हैं, रीसेंट डिस्क्लोजर दैट द इलेक्शन कमीशन एंड RBI हैड एक्सप्रेस रिजर्वेशन अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हाईलाइट। उन्होंने इसके चीज़ों के बारे में बताया है। किसने बताया है? इलेक्शन कमीशन ने और RBI ने। इन 2007 RBI गवर्नर रोड टू द फाइनेंस मिनिस्टर। RBI गवर्नर ने फाइनेंस मिनिस्टर को ये लिखा था कि अगर इसको अलाउइंग एनी एंटिटी अदर देन सेंट्रल बैंक के अलावा और किसी बैंक को अगर ऑथोराइज करता है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए तो ये फ्रॉड और विथ कंसिडरेबल रिस्क हो सकता है। इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ब्राइबरी चल सकती है, इलेक्शन में प्रभाव पड़ सकता है। ऑब्जेक्शन वॉज ओवरूल्ड। अब इस ऑब्जेक्शन को, जो ये ऑब्जेक्शन था वो ओवरूल्ड कर दिया गया और इसे लोकसभा में पास कर दिया गया एज ए फाइनेंस बिल। ये राज्यसभा में भी नहीं गया, इसे डायरेक्ट फाइनेंस बिल पे के तौर पे इसे पास कर दिया गया। इंडिया स्पेंड्स मोर ऑन इलेक्शन। अब ये हमारी चीज़ बहुत देखना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया स्पेंड मोर ऑन इलेक्शन देन द US। इंडिया बहुत इलेक्शन पे खर्च करता है, US की पर कैपिटा के बराबर वो है 3% ऑफ US, सोच लीजिए आप। द
द रिडक्शन जो जो रिडक्शन किया इन्होंने, रिडक्शन इन द केस, रिडक्शन इन द कैश डोनेशन, सॉरी ये कैश होगा, कैश डोनेशन फ्रॉम 20,000 to 2,000, 20,000 से घटा के 2,000 कर दिया गया है अंडर 29A ऑफ द RPA एक्ट 1951. ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में कभी डिस्कस करा दूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड हैज सिक्योर नो लेस देन 1% वोट इन लास्ट लोकसभा. लास्ट लोकसभा में 1% से ज़्यादा वोट पाए गए हैं वही इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं. नेक्स्ट जो हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो हमारा जो हमेशा सैटरडे को न्यूज़ आती है, ग्राउंड जीरो एक बड़ा सा आर्टिकल होता है उसमें एक्सप्लेन किया होता है कंडीशंस, या तो वो एनवायरनमेंट की होगी या तो वो मोस्टली एनवायरनमेंट की रहती हैं लगभग. प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में प्लेस है कहाँ, एकदम नीचे सुंदरबन के पास, घोरामारा आर बींग फोर्स टू माइग्रेटेड द स्मॉल आइलैंड एज स्लोली समर्ज बाय द सी. ये सी समर्ज करता जा रहा है ये छोटे आइलैंड को, तो यहाँ से लोगों को माइग्रेट करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है. नेबरिंग आइलैंड ऑफ गंगा सागर मौसूनी, वहाँ के जो हैं वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. अब जो है हमारा पेज 12 पे वो है एसपीजी जो बिल है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो है बिल टू एक्सक्लूड पीएम्स एंड किन्स, पीएम के बच्चे को नहीं दी जाएगी, अप्रूव बाय द कैबिनेट, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है. ये अभी रिसेंटली गांधी परिवार जी की एसपीजी हटा दी गई है उसके, यही है उसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट बिल 2019 इसके द्वारा हटा दिया जाएगा. 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल इंडिया जापान डायलॉग विच इंक्लूडेड द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर. ये 2+2 पहले भी हो चुकी है US एंड इंडिया की, जिसमें सेम चीज़ थी, डायलॉग बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर माइक पेम्पियो के बीच में हुई थी. माइक पेम्पियो जो वहाँ के डिफेंस वो थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और यही सेम चीज़ होने वाली है 2+2. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल और किसके साथ होने वाली है, वो है जापान, शिंजो आबे जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं. नेक्स्ट जयशंकर जी हमारे नगोया में हैं फॉर G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि वो माइग्रेट शिफ्ट हो रहे हैं. ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये हमारा घोरामारा मौसूनी गंगा सागर, यहीं पे है, ये हमारा सुंदरबन का एरिया है, यहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. सी का जो पानी है वो लेवल बढ़ता जा रहा है हमेशा और इस आइसलैंड को डुबाता जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ से माइग्रेट करते जा रहे हैं लोगों को. जो हमारी इकोनॉमिक्स न्यूज़ है वो है आरबीआई अपॉइंट्स 3 मेंबर एडवाइजरी पैनल फॉर DHFL. DHFL क्या है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है हमारा. थ्री मेंबर आर राजीव, जो तीन मेंबर हैं इसके, राजीव लाल, एन वेंकटेश हैं सो सीईओ हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड. थोड़ी थोड़ी न्यूज़ है, चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन कौन है, एन के सिंह, ऐसे ही हम पूरा याद कर लेंगे 14, 13, 12. नेक्स्ट जो है हमारा स्पोर्ट्स, इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डे नाइट टेस्ट इन कोलकाता. इंडिया का फर्स्ट डे नाइट मैच कोलकाता में हुआ है, वो पिंक बॉल से हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है. और कौन चीफ गेस्ट थी यहाँ पे, बांग्लादेश की PM शेख हसीना जी और वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी जी. इंडियन बॉक्सर जो हमारे हैं स्टार विजेंदर सिंह डिमोलिशेस घाना फॉर्मर कॉमनवेल्थ चैंपियन चार्ल्स एडमू टू क्लेम 12 सक्सेसिव विन. उन्होंने हरा दिया, ये प्राइवेट बॉक्सिंग लड़ रहे हैं, किसे हराया, घाना के फॉर्मर कॉमनवेल्थ जो चैंपियन है चार्ल्स एडमू को. आप लोग को कैसा ये लगा आज का एनालिसिस, मुझे ज़रूर बताइएगा. लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.